दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम को हराए तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरा T20 मुकाबला खेला जा रहा है उसी के बारे में। तो आप सभी इस मैच की जानकारी को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, आप भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप भारत को ताकतवर टीम मानते हो या फिर न्यूजीलैंड को। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीम आज रविवार को तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले में आमने सामने भिड़ी, जहां पर दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद ही जरूरी था। जहां पर यह मुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जा रहा है। तो वहीं भारतीय टीम तीन मैचों की सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले अपने नाम कर चुकी थी और अब उसकी नजर कीवी टीम का सुपड़ा साफ करने पर थी। हालांकि दोस्तों, वहीं हम आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह मैच काफी ज्यादा औपचारिक मात्र है, जहां पर हालांकि न्यूजीलैंड की टीम जीत के साथ ही सीरीज का समापन करने की फिराक में होगी। तो वहीं T20 विश्व कप 2021 के लीग चरण से बाहर होने के बाद पहली सीरीज खेल रही भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले दो मैचों में दमदार प्रदर्शन किया, जहां पर भारत ने पहला मैच 5 विकेट से जीता। तो वहीं दूसरा T20 मुकाबला भारत ने 7 विकेट से अपने नाम किया और विजयी परचम इस सीरीज पर लहराया। तो वहीं दोनों ही मुकाबलों में भारत के बल्लेबाज और गेंदबाज छाए रहे, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों शानदार फॉर्म में रहे। तो वहीं दूसरी ओर भुवनेश्वर कुमार और रविचंद्रन अश्विन हर्षल पटेल की भी बल्लेबाजों को जमकर परेशान करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं हर्षल पटेल ने दूसरे T20 मैच में इंटरनेशनल डेब्यू किया और पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बन गए और उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 अहम विकेट चटकाए। तो वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें आज के इस मुकाबले की प्लेइंग 11 टीम के बारे में, जो आज भारत और न्यूजीलैंड की टीम अपनी अपनी प्लेइंग 11 टीम लेकर मैदान पर उतरी हुई, आज उसमें भारतीय टीम में शामिल हुए रोहित शर्मा और केएल राहुल, जहां पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋतुराज गायकवाड़ सूर्य कुमार यादव की जगह पर, वहीं चौथे नंबर पर सुरेश अय्यर, पांचवें नंबर पर ईशान किशन को मौका दिया गया। तो वहीं छठे नंबर पर वेंकटेश अय्यर, सातवें नंबर पर युजवेंद्र चहल टीम में शामिल हुए। तो वहीं रविचंद्रन अश्विन आठवें नंबर पर, नौवें नंबर पर आवेश खान भुवनेश्वर कुमार की जगह पर, तो वहीं दसवें नंबर पर हर्षल पटेल और ग्यारहवें नंबर पर दीपक चाहर को टीम में उतारा गया और इसी प्लेइंग 11 टीम के साथ आज भारतीय टीम मैदान पर उतरी। तो वहीं बात करें अगर न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 के बारे में, जो न्यूजीलैंड की आज प्लेइंग 11 टीम मैदान पर आई उसमें शामिल हुए खिलाड़ी टिम साउदी, मार्टिन गप्टिल, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, टिम साइफर्ट, जेम्स नीसम, मिचेल सेंटनर, एडम मिलने, ट्रेंट बोल्ट और ईस सोडी। तो ऐसे में दोस्तों, यही थी पूरी प्लेइंग 11 टीम भारत और न्यूजीलैंड की। बाकी अब यह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक मोड पर जाएगा, जहां पर दोनों ही टीमों में जबरदस्त और ताबड़तोड़ खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी अब आपकी क्या राय है कि आज ये तीसरा T20 मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।